वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू एडिट टू डिफरेंट इमेजेस लाइक उनके टोन्स, कलर्स सब कुछ डिफरेंट है। उन दोनों इमेजेस को कैसे हम एक इमेज में मर्ज कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस शार्क कलर इमेज है एंड दैट पडल टू ब्लैक एंड वाइट में है, तो उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल इमेज कैसे बनाएँ वो देखते हैं कैसे करना है। बहुत शॉर्ट सी वीडियो है तो प्लीज़ पूरा देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने कुछ सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है एंड कंट्रोल प्लस कॉपी करके इसको पडल वाले एरिया में पेस्ट किया है। कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको एडजस्ट किया कि वो सही जगह पर प्लेस हो जाए। ये की जो मैं प्रेस करता हूँ ये सिर्फ इससे नीचे वाली लेयर पर इफेक्ट करेगी, तो प्लीज़ ध्यान रखना कब ये की प्रेस करनी है कब नहीं। अगर आप इसको हटा देंगे तो पूरी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर की लगाएंगे तो सिर्फ उस लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा जिस जो लेयर इस की के नीचे है। कर्व एडजस्टमेंट थोड़ा सा ब्लेंड और करने के लिए, जब ब्लेंड हो गया है इसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी है। जब मैंने क्रिएट में क्लियर किया तो कॉपी करने के मतलब से इसमें जो लिंक इफेक्ट्स है वो हटा दिए, जो ऐसे कॉपी में करना सिलेक्ट करके कॉपी करना। हाँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म करके उसको पडल पर रखना है एंड सॉफ्ट रिजर्व यूज करके मैंने बाकी एरिया क्लियर किया। According to the scene, we set perspective and light for the picture. थोड़ा सा हिडन ट्रायल जाता है कि इमेज ठीक बैठती है कि नहीं, तो आपको दो तीन बार ट्राई तो करना पड़ेगा। कंपटीशन थोड़ी सी क्रिएटिव लगे तो अपनी इमेज से ट्राई करें एंड कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।